आज बार्बी विलेज में दुर्गा पूजा मनने वाला है। आइए चलते हैं बार्बी विलेज के अंदर। सीता और चंपा आपस में बातें कर रही हैं। सीता चंपा से बोलती है, अरे चंपा बहन, आज तो नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। जाती हूँ मैं छोटू को बोल देती हूँ दुर्गा माँ की मूर्ति के ले आए। हाँ बहन, नवरात्रि में दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, उससे दुर्गा माँ बहुत खुश होती हैं। हाँ, और घर की मैं साफ सफाई भी कर लेती हूँ। मैं भी जाती हूँ अपने घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। ठीक है बहन, और हाँ, गांव वाले को न्योता दे देना पूजा में आने के लिए। ठीक है, मैं सबको बोल दूंगी और हम लोग सब लोग मिलके साथ में आ जाएंगे पूजा करने के लिए। अब मैं जाती हूँ। और चंपा चली जाती है। अरे बहुत काम है, कितने सारे पकवान बनाने होंगे आज, और झाड़ू भी लगाना है। पहले कुएं से पानी ले आती हूँ, घर में सारे जगह झाड़ू लगा के पोछा दे दूंगी। सब लोग सोए हुए हैं क्या? परी भी नहीं उठी है। परी, तान्या, एनी, तुम लोग कहाँ हो? हाँ भाभी, हम लोग यहाँ छत पे हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं। अच्छा, नीचे आ जाओ और नहा धो के तैयार हो जाओ। भाभी, हम लोग सब लोग तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, तान्या ने भी कपड़े बदल लिए और मैंने भी बदल लिए हैं। बहुत अच्छी बात है, नीचे आके थोड़ी मुझे खाने में मदद करो तुम लोग। अच्छा भाभी, हम लोग आते हैं। आज तो गांव में बहुत ही मजा आने वाला है ना परी? हाँ, दुर्गा माँ की मूर्ति आएगी और हम लोग सारे मिलके पूजा करेंगे। ठीक बोल रही हो, चलो हम लोग नीचे चलते हैं। बहुत देर हो गई है यहाँ बैठे बैठे बात करते हुए, पता ही नहीं चला। और सब लोग नीचे आते हैं। परी बेटा, जाके रामू भैया को बोल दो, वो कुम्हार के यहाँ से मूर्ति ले आएंगे। ठीक है भाभी, पर वो हैं कहाँ पे? अरे वो कुएं की तरफ गया था पानी भरने के लिए, जाके देखना। हाँ, मैं और तान्या जाते हैं भाभी। परी और तान्या कुएं की तरफ जाती हैं। तान्या जल्दी जल्दी चलो, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये है रामू भैया, ये कुएं पे हाथ मुंह धोने के लिए आए हैं। मैं जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाता हूँ। मालकिन ने बोला है इस मटके में पानी भर के लाने के लिए। अरे कुएं का पानी तो बड़ा ही ठंडा है, मैं पानी थोड़ा पी भी लेता हूँ। आहा, मजा ही आ गया कुएं का पानी पी के। अब पानी भर के ले चलता हूँ। तभी वहां तान्या और परी आ जाती है। छोटू भैया, आप यहाँ इतनी देर लगा रहे हैं, वहां भाभी आपको ढूंढ रही है, मूर्ति लेके आनी है ना आपको आज। बस हो ही गया परी बेटा, मटके का पानी लेके चलता हूँ मैं अब। ठीक है, जल्दी निकलिए। परी, हम लोग भी कुएं में झांके देख ले क्या? अरे नहीं तानिया, कुआं बहुत ही गहरा है, हम लोग गिर जाएंगे उसमें। अच्छा ठीक है, तो चलते हैं हम लोग यहाँ से। चलो ये लीजिए मालकिन, मैं पानी लेके आ गया। अच्छा रामू, इसे नीचे रख दो और ट्रैक्टर ले जाके कुम्हार के यहाँ से मूर्तियाँ ले आओ। ठीक है मालकिन, जा रहा हूँ मैं। ये लीजिए मालकिन, अपना काम कर लीजिए। पहले ट्रैक्टर स्टार्ट कर लेता हूँ। और रामू भैया ट्रैक्टर लेके मूर्ति लाने के लिए निकल जाते हैं।
तभी रास्ते में उनको मुन्नी मिल जाती है। अरे रामू चाचा, कहाँ जा रहे हैं आप? बेटा मैं मूर्ति लाने जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी आपके साथ। क्या मैं आपके ट्रैक्टर पे पीछे बैठ जाऊं? हाँ हाँ बैठ जाओ, आ जाओ। ठीक है। और मुन्नी जाके ट्रैक्टर पे बैठ जाती है। अरे रामू चाचा, आपके ट्रैक्टर में तो बहुत ही मजा आ रहा है। ध्यान से बैठना, कहीं गिर मत जाना। हाँ मैंने पकड़ रखा है, आप चलाइए। और रामू कुम्हार के घर पहुंच जाता है। अरे भैया, आपने मूर्ति बना के रखी है? हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है, ये देखिए। अरे वाह, आपने तो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है। चलिए इसे मेरे ट्रैक्टर पे पीछे डाल दीजिए, गांव में लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। ये देखो छोटू चाचू, मैं आगे आके बैठ गई, आप पीछे मूर्ति रख सकते हो। तुम तो बहुत ही समझदार हो मुन्नी। हाँ बिल्कुल। दोनों मिलके दुर्गा माँ की मूर्ति ट्रैक्टर पे रख देते हैं और अब छोटू वहां से निकल जाता है। मंदिर को थोड़ा फूलों से भी सजा देती हूँ, बहुत सुंदर लगेगा। चलो ये तो बहुत अच्छे से लग गया है, अब इसे दूसरी तरफ भी लगा देती हूँ। मालकिन, मैं मूर्ति ले आया, बताइए इसे कहाँ रखनी है? अरे मैंने बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया है, उसमें ही रखना है। आओ मैं दिखाती हूँ। और सीता ने दुर्गा माँ के लिए बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर बनवाया है। रामू, मूर्ति यहीं रखनी है। ठीक है मालकिन, और भी लोगों को मैं बुला लेता हूँ, मेरी मदद करेंगे वे उतार के रखने में। हाँ हाँ चलो, मैं हूँ ना। लो मिलके दुर्गा माँ की मूर्ति ले आते हैं। रामू इसे संभाल के ले चलो, ये मिट्टी की बनी हुई है, टूट जाएगी। हाँ हाँ मालकिन, आप इतना हिलाइए मत। चलो अब ये काम तो हो गया, अब पूजा की थाल और पकवान तैयार करती हूँ। मेरा मंदिर तो कितना ही सुंदर लग रहा है और इसमें दुर्गा माँ की मूर्ति भी बहुत प्यारी लग रही है। अरे मैं तो भूल ही गई, यहाँ कलश भी रखना होता है ना, लेके आती हूँ मैं। अरे मैंने कलश कहाँ रख दिया, यहाँ तो मिल ही नहीं रहा। अच्छा ये रही, संभाल के ले जाती हूँ और वहां रख देती हूँ। और सीता कलश लेके जाने लगती है। कलश में डालने के लिए फूल भी तो चाहिए होते हैं, पेड़ में एक भी फूल दिख नहीं रहे। वाह यहाँ तो एक बहुत सुंदर फूल खिला है, इसे ही तोड़ लेती हूँ। ले चलती हूँ वहां कलश के ऊपर, इसको डाल देती हूँ। सारे काम तो अब हो गए हैं। डाल दिया मैंने ये फूल। अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है। अब छोटू को बोल देती हूँ जंगल से लकड़ियां ले आएगा, तभी तो मैं चूल्हे में उसे डाल के खाना बनाऊंगी। छोटू। हाँ मालकिन। जल्दी से जाके ट्रैक्टर पे लकड़ियां ले आओ, तभी तो घर के सारे खाना बनेंगे। बहुत सारे पकवान बनाने हैं मुझे। ठीक है मालकिन, मैं निकलता हूँ। और छोटू वहां से चला जाता है।
हमारे आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।